स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन ओमिकाइंड के बारे में। आज हम बात करेंगे ओमिकाइंड इंजेक्शन क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है तथा इसका डोज क्या होता है। दोस्तों, दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें। दोस्तों, ओमिकाइंड इंजेक्शन का साल्ट होता है अंडरस्ट्रॉन इंजेक्शन, जो कि एक एंटी इमिटिक दवा है जिसे आमतौर पर मिचली आना और उल्टी को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उल्टी आना या मिचली आमतौर पर पेट खराब होने की समस्याओं के कारण होता है। इसका उपयोग सर्जरी, कैंसर ड्रग थेरेपी जिसको कीमोथेरेपी भी बोलते हैं, या रेडियोथेरेपी के कारण होने वाले मिचली और उल्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ओमिकाइंड 2 ml का एम्पूल आता है तथा 10 ml का वायल भी आता है। इसको मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है। इसकी MRP होती है दोस्तों 13 rupees। ये 2 ml में होता है। इसके अंदर 4 mg अंडरस्ट्रॉन इंजेक्शन होता है। ओमिकाइंड को सेफली हम मिचली या उल्टी की समस्या के लिए यूज कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हो सकता है एज कंपेयर टू पेरीराम या और जो उल्टी और मिचली की इंजेक्शन्स आती हैं उनके अपेक्षा ओमिकाइंड का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है। अब बात कर लेते हैं कि ओमिकाइंड के क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, पर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जिसको लैट्रिन ज़्यादा आना कहते हैं, इसके अलावा फटीग यानी थकावट और हेडेक यानी सिर दर्द। ये 4-5 कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, पर ज़्यादातर मरीजों में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है और इसको सेफली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ओमिकाइंड इंजेक्शन को हम IM या IV दोनों रूट से दे सकते हैं। आप इसको चाहें तो IV दें वेंस में या फिर IM मसल्स में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होता है। तो दोस्तों, ओमिकाइंड या अंडरस्ट्रॉन या इमीसेट या जोफ्रान जितने भी ब्रांड नेम्स हैं उसका साल्ट होता है अंडरस्ट्रॉन और इसका एडल्ट डोज होता है 1 ampoule यानी 4 mg दिन में 3 बार या 2 बार आवश्यकता अनुसार। ये एडल्ट डोज होता है और बच्चों में इसका डोज होता है 0.15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिशियन की सलाह से दिया जाता है। दोस्तों, अंडरस्ट्रॉन के कुछ अल्टरनेट ब्रांड्स होते हैं। ब्रांड नेम अलग अलग कंपनियां अपने दवाइयों की अलग अलग ब्रांड नेम्स रखती हैं। भले ही इसका साल्ट अंडरस्ट्रॉन है पर इसका ब्रांड नेम अंडम, इमीसेट, जोफ्रान, अलग अलग फार्मा कंपनी अपना अलग अलग ब्रांड नेम रखती हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंडरस्ट्रॉन का यूज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, डोज सब सेम होता है, चाहे वो अंडम की बात करें या ओमिकाइंड की बात करें या इमीसेट की बात करें, तो सबका इफेक्ट, डोज, साइड इफेक्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। दोस्तों, अंडरस्ट्रॉन टेबलेट फॉर्म में भी आता है और सिरप में भी आता है तथा इसके अलावा इसका सैचेट भी आता है जिसको आप पानी में घोल के पी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित
ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।